এরপরের পাবে জালাবে कहाँ से आए हो सर? सर हम यूपी लखनऊ से आए हैं। 31st कैसा लग रहा है दीघा? बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ हम करीब लगभग 7 सालों से आते रहे हैं और हम जो विकलांग जन हैं हमें सबसे यूपी से ज़्यादा खुशी यहाँ पे आप लोगों के साथ में मिल के आती है। जो आप लोग हमारे दर्द को समझते हो और आप लोग अपने साथ खड़े होने के लिए हमें मौका देते हो, हमें ममता दीदी का ये क्षेत्र अपने यूपी से कई गुना अच्छा लगता है, इसलिए हम लगभग 1200-1300 किलोमीटर दूर किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आते हैं, अपनी बाइक लेकर आते हैं, अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और यहाँ पे आप लोगों के साथ अपने 31st ये जो है तो इन्जॉय करते हैं न्यू ईयर्स का सेलिब्रेशन। और मैं यहाँ के दीघा आके बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ मिल के, और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ दीघा में इंजॉय कर रहा हूँ। आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम अपनी हैंडीकैप बाइक लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। हम थोड़ा दुख की बात ये है कि हमारे साथी जो हैं तो ट्रेन में इतने जल्दी चढ़ नहीं पाए और उनकी बाइक नहीं चढ़ पाई, वो आ नहीं सके, इसलिए हम अकेले लगभग 6 लोग इस आप यहाँ दीघा में आके जो है इस सेलिब्रेशन को जो है तो खुशी पूर्वक मना रहे हैं। और दीघा का हर इंसान यहाँ पे दीघा का इतना मिलनसार है। हम लोग तमिलनाडु भी गए, लगभग 3 दिन से यहाँ पे पूरी तरफ घूम के लोगों का जो है तो देख रहे हैं। यहाँ पे हर इंसान बिल्कुल सच्चा ईमानदार हमको नज़र आया, जो भी है वो भी हम लोग के प्रति जो हैंडीकैप प्रति के जो एक दुर्भाव हुआ लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि लोग एक साथ मिले, गले मिलके एक साथ चलना चाहते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे आए, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था तो हम लोग का मन नहीं माना, हम लोग थोड़ा था वहाँ पे गए, लोगों ने पूरी तरह से हम लोगों को अपने अंदर कैद करके तो उन लोग ने हमको गले लगा के इस तरह से सेलिब्रेशन इंजॉय करने का हम लोग को अंदर इतना उत्साह जगाया कि हम लोग अपने आप को भी नहीं रोक पाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को जो है तो अंदर फील करते थे कि हम लोग इस कंडीशन में हैं, हमें कौन अपनाएगा। लेकिन दीघा आके यहाँ पे जो कार्यक्रम था, हमने भाई लोग मिल के हमको इतना खुशी हुआ कि हम लोग इसका जो है क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार यादव नाम है। एड्रेस? और हम राजाजीपुरम लखनऊ से निवास करते हैं। हमारे साथ हमारे मनीष जी हैं जो आलमबाग से निवास करते हैं। यहाँ पे हम हमेशा लगभग जो है 7 सालों से आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे।